दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VS रेल फैन में। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सतना से खजुराहो नई रेल लाइन के बारे में, और आपको बताएंगे सतना से जो नया रेल लाइन बनेगा खजुराहो के बीच में, इस बीच में कौन सा नया स्टेशन बनेगा, साथ ही आपको सतना जंक्शन का जो रूट है वो भी आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यह सतना जंक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं सतना जंक्शन से जो इधर रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है कटनी जंक्शन की तरफ, और यह रेलवे लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रूट है। सतना जंक्शन से जो सीधे रेलवे लाइन जा रहा है ये जा रहा है मणिकपुर प्रयागराज की तरफ, यह रेलवे लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रूट है। सतना जंक्शन से जो इधर रेलवे लाइन देख रहे हैं कैमा की तरफ, ये जा रहा है रीवा टर्मिनल की तरफ, यह रेलवे लाइन डबल लाइन हो रहा है, इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट है। सतना जंक्शन से पहले यहाँ पर देखिए कैमा के पास बनाया गया है बाईपास, क्योंकि रीवा टर्मिनल की तरफ से कोई भी ट्रेन है जिस ट्रेन को मणिकपुर जाना है वो इस वाले बाईपास से सीधे मणिकपुर की तरफ चली जाएगी। ये तो आप समझ गए सतना जंक्शन का रूट। अब आपको चलते हैं लेकर के नया रूट जो बनेगा सतना जंक्शन, जो ये लाल वाला आप देख रहे हैं ये नया रेलवे लाइन यहाँ से बनेगा। सतना से खजुराहो तक 140 किलोमीटर लंबा रेल लाइन होगा, और खजुराहो अभी स्टेशन है लेकिन ये रेलवे लाइन बन जाने से क्या होगा, खजुराहो जंक्शन के रूप में दिखेगा। सतना से जब हम लोग इस रूट पे चलते हैं नया रेलवे लाइन जब बनेगा तो पहला स्टेशन आएगा करही, ये आप देख रहे हैं करही। करही से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीतपुरा आएगा, सीतपुरा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बरथिया आएगा, बरथिया से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नगौड़ आएगा, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फुलवारी आएगा, फुलवारी से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे देवेंद्र नगर आएगा, देवेंद्र नगर से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस रूट पर ये सब स्टेशन बनेगा। अजयगढ़ होते हुए हम लोग चले आएंगे खजुराहो। खजुराहो अभी एक स्टेशन है महत्वपूर्ण, लेकिन ये नया रेलवे लाइन बन जाने से खजुराहो जंक्शन के रूप में आप लोग को दिखेगा। खजुराहो स्टेशन से जो अभी रूट है, ये खजुराहो से जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये रेलवे लाइन जा रहा है ललितपुर जंक्शन। आगे ये रेलवे लाइन ललितपुर जंक्शन होते बीना चला जा रहा है। खजुराहो से जब हम लोग इस रूट पर बढ़ेंगे तो यह रेलवे लाइन सिंगल लाइन है, इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। उदयपुरा से लेकर के ललितपुर जंक्शन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है। ललितपुर से यह रेलवे लाइन सीधे बीना की तरफ जा रहा है। तो यह रेलवे लाइन ललितपुरा से लेकर के खजुराहो तक जो इस रूट पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है यह सिंगल लाइन है। खजुराहो से अगर इधर जाएंगे तो हम लोग इस पर, ये भी सिंगल लाइन है इस पर, लेकिन रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है, और यह रेलवे लाइन महोबा जंक्शन के पास जा रहा है। महोबा से आप या तो आप झांसी जा सकते हैं या आप मणिकपुर की तरफ जा सकते हैं। तो महोबा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस रूट पर तो यहाँ पर एक खैरार जंक्शन से यह चला जाएगा मणिकपुर, और खैरार से यह चला जाएगा कानपुर सेंट्रल की तरफ। तो कानपुर सेंट्रल कैसे जाएगा तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे इस रूट पर, तो देखिए ये हम लोग चले आएंगे भीमसेन जंक्शन, भीमसेन से कानपुर जंक्शन की ओर चले जाएंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।